सो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल भुवन इलेक्ट्रॉनिक्स। आप जो मेरे पास सिस्टम आया है सोनी का पार्टी स्पीकर, देखिए इसमें एक बूफर लगा है और दो स्पीकर ऊपर ट्यूटर की तरह लगे रहते हैं और एक छोटे छोटे ट्यूटर एक यहाँ है एक यहाँ है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी, इसके अंदर पहले नो साउंड थी। और सबसे पहले आप इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, ये देखिए होम ऑडियो सिस्टम MSC V7D। इसके अंदर पहले नो ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसकी एक सप्लाई मिस थी, वो मैंने इसकी सप्लाई रिपेयर कर दी। सप्लाई ये देखो नीचे लगी हुई है, सप्लाई मैंने इसकी रिपेयर कर दी थी। सप्लाई रिपेयर करने के बाद जो है इसके अंदर प्रोटेक्शन का फॉल्ट आने लगा, प्रोटेक्ट E01 आने लगा। तो ये लगाते के साथ ही ये इसके अंदर ऑडियो बोर्ड लगा था, इसकी वाली IC जो है ब्लास्ट हो गई थी और ये कार्ड मिल भी नहीं रहा था इजली, ना कंपनी में ना कहीं भी, बाहर मार्केट में भी कहीं नहीं मिल रहा था मेरे को ये कार्ड। तो इसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। इसके अंदर मैंने एक अलग से बोर्ड मैंने इनबिल्ड कर दिया, ये MOSFET वाला मैंने बोर्ड लगाया है और एक ट्रांसफार्मर लगाया है, बाकी उसका मेन कार्ड वैसी है। मैंने खाली इसकी ऑडियो उठा के उसके अंदर दे दिए मैंने, ये देखिए ये मैंने कनेक्शन कर रखे और ये कार्ड है, ये साउंड बोर्ड है बेसिकली। और ये मैंने ट्रांसफार्मर अलग से लगाया था क्योंकि उस सप्लाई से वो चल नहीं सकता था। देखिए ये बोर्ड, इसमें MOSFET लगे हुए हैं और मैंने इसको परफेक्ट बिल्कुल बॉडी के साथ चिपका दिया है ताकि हीट इसकी इस वाली हीट सिंक में चली जाए तो ज़्यादा हीट ना करे। और ये परफेक्टली बिल्कुल ऑन भी हो गया है और अभी मैं इसकी साउंड चला के आपको चेक करा देता हूँ। तो फ्रेंड जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें। और मैं इसमें प्रोटेक्शन के लिए भी बता देता हूँ आपको, अगर इसके अंदर प्रोटेक्शन आता है तो खाली, अगर प्रोटेक्शन आ रहा है आगे सब ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर एक रजिस्टर होता है, उसको ओपन करने से इसका प्रोटेक्शन चला जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, ये जो ट्रांजिस्टर लग रहा है तो ट्रांजिस्टर से पहले एक रजिस्टर लगी होती है 472 नंबर की, मतलब 4.7K की, यहाँ पे एक रजिस्टर लगी होती है 4.7K की। ये इसके आगे देखो नंबर क्या लिखा है, R1221। ये रजिस्टर आपको ओपन कर लेनी है, ये देखो मैंने पहले भी ओपन कर रखा है इसे, लेकिन इसका प्रोटेक्शन फिर भी नहीं गया था। लेकिन आप लोग इसे पहले एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, ये हटाने से इसका प्रोटेक्शन हट जाता है। अगर खाली इसी का ही फॉल्ट आ रहा होगा तो हट जाएगा, आगे इधर अगर सेक्शन सही होगा और कुछ खाली थोड़ी सी अगर इधर ही प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम आ रही होगी, इसको हटाने से हट जाएगा। तो फाइनली हम इसे देख सकते हैं, मैंने सेट प्लग कर लिया और ये इसकी पावर आ गई है। देखिए अब हम इसको स्टैंड बाई कर लेते हैं, ये हमने इसको स्टैंड बाई कर लिया। अब इसको मैं पंखे कर लेता हूँ, फोन के लिए साउंड आ गई। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको ये बोर्ड भी चाहिए हो या ट्रांसफार्मर चाहिए हो तो मैं अवेलेबल करा सकता हूँ, आप मेरे को क्या नाम है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं
मैंने अपना कार्ड मेंशन कर रखा उस अपनी आईडी पे, तो वहाँ से जाके आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। ये मैंने यूएसबी नोट पे कर रखा है, नो डिवाइस आ रहा है। मैं इसमें सॉन्ग क्लिप करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लगाई पेन ड्राइव, ये रीडिंग कर रहा है, इसे प्ले कर लेते हैं। पॉज कर दिया। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें मेरे वीडियो को, और प्लीज़ जिसने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। क्योंकि लाइट लेवल को ऊपर फिट कर लिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।